कई वर्किंग माताएं और इवन हाउसवाइफ भी हमें ये कंप्लेन करती हैं कि सर टाइम कहाँ मिलता है, घर की जिम्मेदारियाँ, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन प्रेगनेंसी की केयर करने में ही समय निकल जाता है, तो गर्भ संस्कार के लिए समय कैसे निकालें। मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस चीज को हम प्रायोरिटी मानते हैं ना, उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपका बेबी आपकी प्रायोरिटी है? अगर हाँ, तो समय के बारे में किसी चर्चा को अवकाश ही नहीं है। अगर एक माता चाहे तो अपने बेबी के लिए कुछ भी कर सकती है। तो 30 मिनट का समय पूरे दिन के अंदर से चुरा कर अपने बेबी को बेहतर संस्कार सिखाने, अच्छी आदतें सिखाने के लिए हमें समय का प्रश्न कैसे सता सकता है? माता जीजाबाई मौत के खतरे में जी रही थी ना, फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को शूरवीरता की लोरियां सुनाकर शूरवीरता के पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। दुनिया का इतिहास और प्रेजेंट दोनों इस बात के प्रतीक हैं कि जितने भी माता पिताओं ने अपनी प्रेगनेंसी के समय में अपने बच्चे के अच्छे संस्कार और अच्छे गढ़न को प्रायोरिटी दी है, उन्हीं माता पिताओं ने समाज को अद्भुत संतानों की भेंट दी है। तो समय को मैनेज करना ये हमारे 100% कंट्रोल में है, और इसीलिए गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन ने पूरे प्रोग्राम को इतना ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया है कि जहां आप पूरे दिन के दौरान सुबह 2-5 मिनट, दोपहर में 2-5 मिनट, शाम को 2-5 मिनट, टुकड़े टुकड़े में अपना समय निकालकर, दो दो तीन तीन एक्टिविटीज कर अपना गर्भ संस्कार का लाइफस्टाइल स्केड्यूल अच्छी तरीके से फॉलो कर सके। इवन एक्सपर्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर आपके अनुकूल समय पर आप एक्सपर्ट से बातचीत कर अपने डाउट सॉल्व कर सके, इतनी यूजर फ्रेंडली व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। तो पिछले कई सालों में लाखों माताओं ने इस प्रूवन सिस्टम का बेनिफिट लेकर गर्भ संस्कार को आसानी से प्रैक्टिस किया है, तो आपको भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, परिवार इंतजार कर सकता है, मित्र इंतजार कर सकते हैं, हमारा काम भी इंतजार कर सकता है, पर बेबी का डेवलपमेंट बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेगा। ये सिर्फ इन्हीं 9 महीने की यात्रा है। अगर इन 9 महीनों में हमने अपनी जिम्मेदारी में आलस कर ली, सोचने में समय बिता लिया, तो बाद में ये समय हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। कोई भी समझदार माता पिता एक दिन भी गर्भ संस्कार के पालन को वेस्ट नहीं करेंगे।